दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों नींद में सपना देखना एक सामान्य क्रिया है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार हर सपने के अलग मायने होते हैं और कई बार सपने भविष्य में होने वाली घटनाओं का भी संकेत देते हैं। दोस्तों यह संकेत शुभ और अशुभ दोनों तरह के हो सकते हैं। कई बार आपने सपने में देखा होगा कि आप किसी बिल्डिंग या फिर आसमान से नीचे गिर रहे हैं। दोस्तों स्वप्न शास्त्र में इसका भी मतलब बताया गया है। इससे आप भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से उन सपनों के बारे में जो आप अक्सर देखते हैं। लेकिन आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अब चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों पहला पॉइंट है स्वास्थ्य पर रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप आसमान या बादलों से गिरते हुए सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप काफ़ी थक गए हैं और आपको दुर्घटना से बचने के लिए सतर्क रहना चाहिए। अधिकांश समय इस तरह का सपना मस्तिष्क में मानसिक और शारीरिक थकावट को लेकर आता है, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का चिंता होना चाहिए और पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। दोस्तों अगला पॉइंट है जीवन में होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव। दोस्तों शास्त्र में यह भी बताया गया है कि आप आसमान से कितनी तेजी से गिर रहे हैं, इसके भी अलग संकेत होते हैं। जैसे अगर आप आसमान से तेजी से गिर रहे हैं तो यह बताता है कि आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे। दोस्तों सपने में अगर आप धीमी गति से गिर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप विवेकपूर्ण तरीके से सोच रहे हैं और एक नया समाधान या जीवन शैली चुनने का निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। वहीं आप सपना देखते हैं कि आप गिर रहे हैं और तभी आपकी आँख खुल जाती है, इसका मतलब है कि आप काफ़ी सतर्क हैं। आपके आसपास लोग कैसे हैं और क्या घटना हो रही है इसको लेकर आप सब जानते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है आमदनी से है सपने का अर्थ। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई व्यवसायी ऊंचाई से नीचे गिरने का सपना देख रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी आय में गिरावट होने वाली है। अगर महिला इस तरह का सपना देखती है तो इसका मतलब है कि उसके पति के जीवन में कई समस्याएं आने वाली हैं और पति को आमदनी भी कम होने वाली है। दोस्तों वहीं अगर कोई मरीज इस तरह का सपना देखता है तो स्वप्न शास्त्र में बताया गया है कि मरीज की समस्याएं अभी खत्म नहीं होने वाली हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है सपने के बाद आर्थिक स्थिति का रखें ध्यान। जी हाँ दोस्तों, अगर घोड़े से गिरते हुए का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपका प्रतिद्वंद्वी आपको अच्छी चुनौती देने वाला है, इससे आपको नुकसान भी हो सकता है, सावधान रहें। दोस्तों वहीं अगर हाथी की पीठ से गिरने का सपना देख रहे हैं तो आपको आर्थिक स्थिति खराब होने वाली है। अगर आप छत से गिरने का सपना देख रहे हैं तो आपको घर बाहर निकाल दिया जाएगा। दोस्तों अगला पॉइंट है अगर आप किसी ऊंची बिल्डिंग या पुल के नीचे धकेले जाने का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप काम को लेकर समझौता नहीं करते और हाल में ही हुए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चिंतित हैं और आपको आसपास के वातावरण पर भरोसा नहीं है। वहीं अगर आप चट्टान के किनारे से कूदने के बारे में सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि जीवन या काम में भारी तनाव का आने वाला है। दोस्तों आप इस खतरे से बचना चाहते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है कठिन दौर से गुजर सकता है जीवन। अगर आप किसी पार्टी में हैं तो ठोकर खाने के बाद गिरने का सपना देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुद अक्सर दूसरों के सामने खुद को मूर्ख बनाने के बारे में चिंता करते हैं, साथ ही आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। वहीं आप नीचे गिरने और घायल होने के बारे में सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जीवन के कठिन दौर से गुजरने वाले हैं। दोस्तों अगला पॉइंट है हो सकती है कोई गंभीर बीमारी। अपने बच्चों के गिरने के सपने में देख रहे हैं तो महिला के बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि सपना बताता है कि बच्चे को कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। वहीं प्यार में पड़ा आदमी अपनी प्रेमिका से के साथ गिरने के बारे में सपना देखता है तो वे शादी
कर लेंगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको स्वप्न शास्त्र के अनुसार सपनों से जुड़े कुछ रहस्यमय तथ्य बताए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आने पर आप इसे लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप रहिए स्टे मोटिवेट स्टे फियरलेस। जय हिंद।